हरियाणा की कविता देवी रेसलिंग रिंग में अपने प्रतिद्वंदी को न केवल पटकती हैं, बल्कि असल जिंदगी में उनके और खेल के बीच आने वाली दीवारों को गिराने की कोशिश भी करती हैं। कविता भारत की पहली महिला पहलवान हैं, जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE के रेसलिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया। शोहरत अब मिली है, लेकिन एक वक्त था जब उनके और खेल के बीच इतनी दूरी आई कि इन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए। 34 साल की कविता देवी वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक विजेता रह चुकी हैं और अब एक प्रोफेशनल रेसलर हैं। शुरुआत वेट लिफ्टिंग से हुई, सालों तक वेट लिफ्टिंग के साथ जुड़ी रही। इसके बाद इनकी शादी हुई और फिर बच्चा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, खेल और इनके बीच एक दूरी सी आ गई। कविता कहती है, शादी और बच्चे के बाद मुझे बोला गया था कि मैं खेल छोड़ दूं। ऐसा भी वक्त आया जब मुझे जिंदगी और मौत के बीच चुनना था। मैंने अपनी जान देने की कोशिश की क्योंकि मेरा खेल का करियर लगभग खत्म था। एक तो ये समझा जाता है कि आप शादी के बाद घर संभालो। कविता खुद को रिंग से दूर नहीं रख पाई। आखिरकार उन्होंने अपने परिवार को मनाया और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद उनकी रुचि रेसलिंग में बढ़ी। अब कविता देवी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी WWE में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली पहली महिला रेसलर बन गई हैं। रिंग में लड़ाई सूट सलवार में लड़ी और तस्वीरें वायरल हुई। अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई हैं। फिलहाल वो द ग्रेट खली की अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। टीम इंडिलिंक्स।